हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल वीपीए ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डेट्स पर फिल्टर अप्लाई करना सीखेंगे, जिसमें सबसे पहले किन्हीं दो डेट के बीच का डेटा फिल्टर करना सीखेंगे। उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर मंथ जैसे जनवरी, फरवरी या फिर दिस मंथ, लास्ट मंथ या दिस ईयर का डेटा फिल्टर करना सीखेंगे। उसके बाद ब्लैंक को फिल्टर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, जिसमें हम उन सारी रोज को फिल्टर करेंगे जिसमें डेट वाले कॉलम में डेट 15 नवंबर 2020 है या उससे ज्यादा है। अल्ट F11 प्रेस करके चलते हैं वीबी एडिटर पर, और जैसे इस वर्कबुक में एक ही वर्कशीट है तो हम डायरेक्ट रेंज लेंगे जिस पर हमको फिल्टर अप्लाई करना है। वो रेंज हमारी स्टार्ट हो रही है A1 सेल से। उसके आगे हम लिखेंगे ऑटो फिल्टर मेथड, और इसके फील्ड पैरामीटर में हम देंगे उस कॉलम का नंबर जिसके बेसिस पर हमें फिल्टर अप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पर है हमारा डेट वाला कॉलम, जो कि है हमारा पहला ही कॉलम, तो यहाँ पर हम दे देंगे 1। एक कोमा लगाते हैं, एक स्पेस देकर एक अंडरस्कोर देते हैं, क्योंकि हमको नई लाइन में नया पैरामीटर लिखना है जो कि है हमारा क्राइटेरिया 1। और यहाँ पर हम अपना क्राइटेरिया पास करेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होने वाला है कि जहाँ पर डेट 11 नवंबर 2020 हो या उससे ज्यादा हो, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हम लगाएंगे, बराबर हो या उससे ज्यादा हो। और जो हम डेट यहाँ पर पास करेंगे वो YYY MM और DD के फॉर्मेट में पास करेंगे, मतलब 2020 पहले देंगे, उसके बाद मंथ देंगे जो कि होगा हमारा 11, और सबसे लास्ट में हम देंगे डेट जो कि है हमारी 15। अब F5 प्रेस करके इस मैक्रो को रन करते हैं और चलते हैं अपनी एक्सेल की सीट पर। सो यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ वही रो फिल्टर हुई है जहाँ पर डेट 11 नवंबर 2020 है या फिर उससे ज्यादा है। सो सिंगल डेट क्राइटेरिया के बेस पर डेटा फिल्टर करना हमने सीख लिया, पर हमारा टारगेट था कि दो डेट के बीच की रोज को हमें फिल्टर करना है। सो अल्ट F11 प्रेस करके चलते हैं वीबी एडिटर पर। पहला क्राइटेरिया हमने सक्सेसफुली लगा रखा है, जिसमें हमने दे रखा है कि डेट 15 नवंबर 2020 के बराबर हो या उससे बड़ी हो। और दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या होने वाला है कि हमारी डेट 17 नवंबर 2020 से छोटी हो या उसके बराबर हो। तो छोटी या उसके बराबर के लिए हम यूज करते हैं लेसर देन इक्वल, तो वो हमने लगा दिया है। और दूसरे क्राइटेरिया में हमने डेट दी थी है 17 नवंबर 2020। दोनों क्राइटेरिया लग गए। अब इनके लिए हमें एक ऑपरेटर चाहिए होगा, जब भी हम दो क्राइटेरिया यूज करते हैं तो एक ऑपरेटर का यूज करते हैं। सो ऑपरेटर हमारा क्या होगा, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि हमको सिर्फ उन रोज को फिल्टर करना है जहाँ पर डेट 15 नवंबर से लगा के 17 नवंबर तक की होनी चाहिए, मतलब ना तो डेट 15 नवंबर से छोटी होनी चाहिए ना 17 नवंबर से बड़ी होनी चाहिए। तो इस केस में हमें दोनों क्राइटेरिया ट्रू करने हैं, क्राइटेरिया 1 और क्राइटेरिया 2। ऐसे केस जहाँ पर हमें दोनों क्राइटेरिया ट्रू करने होते हैं वहाँ पर हम एक्सेल एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और जहाँ पर सिर्फ एक क्राइटेरिया ट्रू हो और हमारी कंडीशन चले तो वहाँ पर हम और क्राइटेरिया का यूज करते हैं। सो F5 प्रेस करके मैक्रो को रन करते हैं और एक्सेल की सीट में जाकर हम देखते हैं तो वो सारी रोज फिल्टर होकर आ गई जहाँ पर डेट 15 नवंबर 2020 के बराबर या उससे ज़्यादा है, 17 नवंबर 2020 के बराबर या उससे कम। तो जनवरी का डेटा तो हमें फिल्टर कर लिया, अगर दिस मंथ का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्राइटेरिया चेंज कर देंगे जो कि हमारा हो जाएगा एक्सेल फिल्टर दिस मंथ। इस ग्रीन बटन पे क्लिक करके मैक्रो को रन करते हैं, चलते हैं एक्सेल की सीट पर। तो आप देखोगे आज जो डेट है वो 1 दिसंबर है और इसने दिसंबर का सारा डेटा हमें ला कर दे दिया। सो आप सिर्फ दिस मंथ, दिस ईयर इसी का नहीं, आप चाहे तो काफ़ी सारे ऑपरेटर मिल जाएंगे इसमें किसी भी मंथ का। जैसे अप्रैल का निकालना है तो अप्रैल वाला दे दो, अगस्त का, डे का, फरवरी का, आर का निकालना है आपको, और इवन इसमें आपको नेक्स्ट वीक, प्रीवियस वीक, नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे, बहुत सारे ऑपरेटर मिल जाएंगे। तो आप इन सबको यूज करके देखिए, और किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल फिल्टर दिस मंथ। सो जो हमारा सेकंड वाला कॉलम है रैप वाला, इसमें कुछ नेम हमने ब्लैंक छोड़े हुए हैं। सो अगर आपको
फिल्टर उन रोज को करना हो जहां पर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में ब्लैंक वैल्यू हो, तो कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। चलते हैं हम वीबी एडिटर पर, इतना कोड कॉपी कर लेते हैं और अब जो हमारा फील्ड है वो टू है, तो इसको कर देते हैं टू। और हमारा क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में हमको ब्लैंक सेल्स चाहिए, तो ब्लैंक सेल्स के लिए हम क्या देते हैं, सिर्फ इक्वल टू का साइन दे देते हैं इनवर्टेड कॉमास के अंदर। और अब अगर इसमें क्रो को रन करें और एक्सेल की सीट पे जाके देखें, तो सिर्फ वही रो फिल्टर हो गई है जहां पर रेफ ब्लैंक है। आपको वो सारी रोज चाहिए जहां पर ब्लैंक नहीं है, तो आप यहां पर नॉट इक्वल टू का साइन देकर क्राइटेरिया में इस मैक्रो को रन करेंगे, तो सिर्फ वही रो आएगी जहां पर कोई भी रैप कॉलम में ब्लैंक एंट्री नहीं होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो कोड की ये फाइल है इसको हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, इसको आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है हमारी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सुझाव या कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।